हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी, आज मैं रेफरेंस लेकर के आया हूँ आपके सामने। सीपीसी में एक टॉपिक है और वो टॉपिक पार्ट एट में है, तो पार्ट एट का आज हम रेफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सीपीसी का जो पार्ट एट है उसमें सेक्शन है 113 to 150, ये सेक्शन है इसमें। यानी कि पार्ट एट में केवल तीन सेक्शन हैं, 113, 114 और 115। और पार्ट एट में जो तीन सेक्शन हैं वो क्रमशः देखें हम, तो 113 में रेफरेंस, 114 में रिव्यू और 115 में रिवीजन बताया गया है। रिवीजन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पर सीपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसको खोलेंगे तो रिवीजन का वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस। आज हमारा टॉपिक पढ़ने के लिए है रेफरेंस, संदर्भ। संदर्भ पढ़ना है हमको, तो संदर्भ का और प्रावधान है। अगर आप सीआरपीसी देखेंगे तो सेक्शन 395 में रेफरेंस का प्रावधान है और संविधान में आर्टिकल 228 में रेफरेंस का प्रावधान है। सीपीसी में रेफरेंस का प्रावधान सेक्शन 113 में, और सेक्शन 113 को हम रीड विद करेंगे आर्डर 46 से। इसके पहले मैंने बताया था कि जो सेक्शन 115 है रिवीजन का, तो रिवीजन के लिए सीपीसी में कोई आर्डर नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए सीपीसी में आर्डर है 46। तो आज हम रेफरेंस पढ़ेंगे आर्डर 46 के साथ, चूँकि आर्डर 46 में प्रोसीजर दिए गए हैं, प्रोसीजर के अंदर रूल्स दिए गए हैं, जिन वो रूल्स हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि हम कैसे रेफरेंस को प्रोसीड करें। जो भी उसमें 7 रूल दिए गए हैं, 7 रूल्स हैं 46 में, तो 46 में जो 7 रूल्स हैं वो सारे रूल्स हमको बताते हैं कि हम रेफरेंस को कैसे प्रोसीड करेंगे, उसकी कार्रवाई कैसे करेंगे। तो चलिए, तो पहले हम जान लेते हैं कि रेफरेंस जो संदर्भ है 113 में दिया गया है वो उसका नेचर कैसा है। तो रेफरेंस ऑब्लिगेटरी होता है और रेफरेंस ऑप्शनल होता है। अब हमको ये पता करना है कि ऑब्लिगेटरी कब होता है और ऑप्शनल कब होता है, यानी कि किन मामलों में ऑब्लिगेटरी होगा, अध्यापक होगा, बाध्यता होगी, हमें रेफरेंस करना ही होगा, हमें नहीं कोर्ट को करना ही होगा। आप जब जज बन जाएंगे तो आप खुद ही कोर्ट कहलाएंगे, तो आप समझिए कि हमें करनी पड़ेगा, आप कोर्ट हैं खुद। इस तरह से पढ़िए, आप खुद को कोर्ट समझिए और पढ़िए, आगे चल के कोर्ट ही बनेंगे। तो रेफरेंस 113 के अंतर्गत जो दिया गया है वो ऑब्लिगेटरी भी होता है और ऑप्शनल भी होता है। आगे हम ये पता कर लेंगे कि ऑब्लिगेटरी कब होगा और ऑप्शनल कब होगा, ये हमें रूल 1 बता देगा। तो चलिए, जब रूल 1 पे पहुँचेंगे तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ ये देखते हैं कि रेफरेंस होगा कहाँ, उसका फोरम क्या है। तो रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में होगा, ओनली इन एंड ऑल बेच हाई कोर्ट में होगा ये। तो रेफरेंस हाई कोर्ट में होगा
केवल हाई कोर्ट में होगा और हमेशा हाई कोर्ट में होगा, यानी कि रेफरेंस हम हाई कोर्ट में ही, हाई कोर्ट को ही करेंगे। अब ये रेफरेंस हाई कोर्ट में होगा तो उसके लिए हमारे पास आधार क्या है, बेस क्या है, किन पर हम रेफरेंस कर सकते हैं? तो रेफरेंस हम कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, क्वेश्चन ऑफ लॉ विधि के प्रश्न पे, या क्वेश्चन एज टू कस्टम और यूसेज, या फिर कोई ऐसा प्रश्न है जो कस्टम और यूसेज के से संबंधित है, रूढ़ी से संबंधित है, परंपरा से संबंधित है। तो दो तरह के क्वेश्चन होने चाहिए हमारे पास, बेस होना चाहिए रेफरेंस करने के लिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर क्वेश्चन एज टू कस्टम और यूसेज हो। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ भी दो तरह के हो सकते हैं, जो हमको रूल वन बताएगा। तो अभी तुम आप मोटा मोटा समझिए कि रेफरेंस हाई कोर्ट में होगा और ओनली इन एंड ऑलवेज हाई कोर्ट में होगा, और रेफरेंस करने के लिए हमारे पास जो बेस होगा वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या फिर क्वेश्चन एज टू कस्टम एंड यूसेज होगा। ये हमने इसको समराइज कर दिया। अब रेफरेंस का राइट किसके पास है? तो राइट ऑफ रेफरेंस वेस्ट्स इन द कोर्ट, ये कोर्ट में निहित होता है। रेफरेंस का अधिकार कोर्ट में निहित होता है। तो ये कोर्ट के पास राइट है और कोर्ट में ही निहित है, ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि राइट ऑफ रेफरेंस किसका है, तो कोर्ट का है। ये कोर्ट में ही निहित होता है, ये याद रखना है। अब हम पहले जान लेते हैं कि रेफरेंस हम करने जा रहे हैं तो रेफरेंस को हम समझते भी हैं कि नहीं। तो जो वास्तव में रेफरेंस की मीनिंग होती है लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, वो मीनिंग हमें जानना चाहिए। वो मीनिंग हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम रेफरेंस करते क्यों हैं और रेफरेंस में होता क्या है। दोनों बातें, हम रेफरेंस करते क्यों हैं और रेफरेंस में होता क्या है, ये हमें जानना जरूरी होता है, तभी हमें रूल समझ में आएंगे। चूँकि हमें क्यों करते हैं और क्या होता है, यही बातें हमें रूल से पता चलेंगी। तो पहले हम रेफरेंस की मीनिंग जान लेते हैं। और रेफरेंस तभी होता है जब कोर्ट के पास कुछ डाउट होता है, कोर्ट कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता, और चूंकि कोर्ट को मामले डिस्पोज करने पड़ते हैं, तो कोर्ट को मामले डिस्पोज करने हैं और कुछ चीज़ें उसके सामने ऐसी आ गई हैं जिसके संबंध में उसके पास स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, डाउट है उसको, उसकी अपनी एक ओपिनियन है जिसमें वो हाई कोर्ट की मोहर लगवाना चाहता है। अगर वो है तो हाई कोर्ट मोहर लगाएगा, अगर वो ओपिनियन उसकी सही नहीं है तो मोहर नहीं लगाएगा। तो रेफरेंस मीन्स वेयर द सबॉर्डिनेट कोर्ट, वेयर द सबॉर्डिनेट कोर्ट रिफर्स द केस इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा केस जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, और किसको रिफर करता है, टू द हाई कोर्ट को। तो रेफरेंस का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ डिक्शनरी कि जहाँ कहीं जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट को मैं पहले बता चुका हूँ, अदर वीडियोज में है, आप रिवीजन में ही देख लीजिएगा, रिवीजन में भी सबॉर्डिनेट कोर्ट को बताया है। तो वेयर द सबॉर्डिनेट कोर्ट रिफर्स द केस इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ टू द हाई कोर्ट, रिफर करता है काहे के लिए, फॉर द ओपिनियन,
ऑन दैट मैटर, जो केस है जिसमें वो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उस मैटर में हाई कोर्ट की ओपिनियन चाहता है वो, वेयर इट हैज ए रीजनेबल डाउट, क्योंकि उसके पास एक तर्कसंगत डाउट है, संदेह है उसके पास, तो वेयर इट हैज अ रीजनेबल डाउट ड्यूरिंग एनी सूट अपील एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ या वो जो मैटर है, चाहे वो कोई वाद हो, अपील हो या निष्पादन की कार्रवाई हो, इससे मतलब नहीं है। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके सामने सूट हो, अपील हो या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हो, अगर इन सब के बीच में या इन सब में उसके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जिसको लेके उसके पास एक रीजनेबल डाउट है, तो वो मामले को रिफर कर देता है हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट से उसकी ओपिनियन जानना चाहता है। तो रेफरेंस का मीनिंग है, जब हमें हमारे सामने कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई ऐसा विधि का प्रश्न आया हुआ है जिसको लेकर के कोर्ट के पास डाउट हैं, वो भी रीजनेबल डाउट हैं, तो फिर वो मामले को हाई कोर्ट की ओपिनियन के लिए रिफर करता है। रेफरेंस कब करेंगे आप, ये रेफरेंस जो है करेंगे कब, रेफरेंस की मीनिंग पता चल गई कि हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास डाउट है किस या क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके या क्वेश्चन एज टू कस्टम और यूसेज, इनको लेकर के हमारे पास डाउट है, तो रीजनेबल डाउट है, कार्रवाई चाहे वो किसी वाद की हो, अपील की हो या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हो, कार्रवाई किसी भी तरह की हो, यानी इन कार्रवाई के दौरान हमारे सामने कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो फिर हम हाई कोर्ट से उस प्रश्न पर उसकी ओपिनियन लेकर के उस मामले को डिस्पोज करते हैं, यानी कि हम फिर उसको बिना हाई कोर्ट की ओपिनियन लिए बिना डिस्पोज नहीं कर पाते। हाई कोर्ट की क्या राय है, क्या मत है, क्या वो हल देता है हमको वो हमारे क्वेश्चन का, उस हल के अकॉर्डिंग फिर हम इस मामले को डिस्पोज करेंगे, इसीलिए हम रेफरेंस कर लेते हैं ताकि हम गलती से बच जाए, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। तो रेफरेंस का मतलब भी ये हुआ कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उससे उसको गलती होने से बचाने के लिए रेफरेंस का प्रोविजन CPC में दिया गया है, और कहीं कोर्ट से ऐसी गलती ना हो जाए, इसलिए कोर्ट की अपनी ये सावधानी है कि अगर वो कभी इस तरह के डाउट में फंस जाता है तो वो हाई कोर्ट को रेफरेंस कर ले और उससे उसकी ओपिनियन जानने के बाद ही मामले को डिस्पोज करे। कब करेंगे ये रेफरेंस, कौन करेगा ये रेफरेंस, तो रेफरेंस मे बी मेड इधर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टीज आर सुओ मोटो बाय द कोर्ट। तो रेफरेंस जो पार्टीज हैं उनकी एप्लीकेशन पर कोर्ट कर सकता है या फिर कोर्ट स्वतः कर सकता है, ऑटोमेटिकली द कोर्ट में रिफर द मैटर, कोर्ट खुद कर सकता है, सुओ मोटो कर सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। रेफरेंस प्रोविजन आया हमारे CPC में तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट उसका उद्देश्य रेफरेंस करने का उद्देश्य, कोर्ट का रेफरेंस करने का उद्देश्य क्या होता है, और दूसरा ये कि ये प्रोविजन CPC में डाला गया इसका उद्देश्य क्या है।
तो ऑब्जेक्ट इज टू एनेबल द सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो सीपीसी में ये प्रोविजन रेफरेंस का 113 इसलिए लाया गया ताकि हम सबऑर्डिनेट कोर्ट को इनेबल बना दें। ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल द सबऑर्डिनेट कोर्ट, काहे के लिए इनेबल, टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम समर्थ बनाते हैं, ये प्रोविजन समर्थ बनाता है, तो ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल, सबऑर्डिनेट कोर्ट को समर्थ बनाना है इसका ऑब्जेक्ट। काहे के लिए समर्थ बनाना है, टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, किस तरह के मामलों में, इन नॉन अपीलेबल केसेस, क्योंकि अगर अपीलेबल केस है तो वो अपील करेगा ना, तो इन नॉन अपीलेबल केसेस में हम यानी कि कोर्ट रेफरेंस मांग ले, ये प्रोविजन उसको समर्थ बनाता है। और कब मांगेगा, खास तौर से इन द अब्सेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये एक बात है सीपीसी में रेफरेंस का प्रोविजन लाने का जो ऑब्जेक्ट है, और कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को रिफर करने का जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ यही है कि 113 सबऑर्डिनेट कोर्ट को इनेबल करती है कि अगर आपको हाई कोर्ट की कभी ओपिनियन चाहिए किसी ऐसे मैटर पे जिस पे आप डाउट रखते हैं, आपके पास रीजनेबल डाउट है, या फिर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन, ऐसे मार्गदर्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी नज़ीरें पहले से उपलब्ध नहीं है उस संबंध में, तो आप कोर्ट को समर्थ बना देते हैं 113 की, आप रिफरेंस कर लें, रिफर कर दें मामले को और हाई कोर्ट की ओपिनियन ले लें। तो ऑब्जेक्ट इज टू एनेबल द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट इन नॉन अपीलेबल केसेस इन अब्सेंस ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ की अनुपस्थिति, चूंकि उस संबंध में आपके पास डाउट ही है। अब बात आई थी कि रेफरेंस ऑब्लिगेटरी भी होता है और ऑप्शनल भी होता है, तब हम ये पता करेंगे कि ऑब्लिगेटरी कब होगा और ऑप्शनल कब होगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं ये दो तरह के होते हैं, तो बस इन्हीं को हमें ध्यान से देखना है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का नेचर ऐसा है तब तो ऑब्लिगेटरी होगा, और इनके अलावा यदि अदर क्वेश्चंस हैं, विधि के अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, तो फिर आप रेफरेंस आपके लिए ऑप्शनल होगा, आप करें या ना करें वो आपकी आपका विकल्प है। आप तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, दोज व्हिच रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑर्डिनेंस आर रेगुलेशन, एक्ट भी इसमें होना चाहिए। तो दोज व्हिच रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, यदि इस तरह का क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो किसी एक्ट ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन की वैलिडिटी का है, तब तो आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा। अगर इनसे अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर इट विल बी ऑप्शनल वेदर यू रिफर द मैटर आर यू डोंट रिफर द मैटर,
इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ऑन द कोर्ट। अब अगर ऑब्लिगेटरी है तो रूल वन में कंडीशन बताई गई है कि वो कंडीशंस सर्कमस्टेंसेस बताई गई हैं जब वो ऑब्लिगेटरी होगा ही, इनसे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड शर्तें भी दी गई हैं कि ये ऑब्लिगेटरी है। अगर ये तीन कंडीशन हैं तब तो ऑब्लिगेटरी ही है, तो ये कोर्ट पर ऑब्लिगेशन है। इस तो देखिए ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये दो तरह के हैं, एक तरह का ये है एक तरह का ये है। पहले तरह वाले में हमको ये जो है इसके लिए तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशंस दी गई हैं हमको, तो ये कंडीशन रूल वन में दी गई है ऑर्डर के, तो हमें ये कंडीशंस जान लेना है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इस तरह का है जो कि जिसका तय किया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन ऑफ लॉ तय नहीं होगा तब तक कोर्ट के सामने जो मैटर है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, तो इट इज नेसेसरी टू डिसाइड सच क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द केस। तो पहली कंडीशन है कि वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो उसका डिसाइड होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तो केस डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि बिना इस क्वेश्चन के डिसाइड, जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर उसको डाउट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट कर नहीं पा रहा क्योंकि उसको डाउट है, उसके पास गाइडलाइंस नहीं है, तब फिर वो उसकी ओपिनियन में यह है कि हाई कोर्ट को रिफर किया जाए और हाई कोर्ट की ओपिनियन ली जाए, तो फिर वो अगर नेसेसरी क्वेश्चन है तो फिर उसे ऑब्लिगेशन है या ऑब्लिगेटरी है कि वो उस मामले को डिस्पोज ऑफ करने के लिए रेफरेंस कर ले हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट की जैसी ओपिनियन आए उसके अकॉर्डिंग मामले को डिस्पोज ऑफ करे। तो एक तो ये शर्त हो गई कि नेसेसरी है तो करना, दूसरी शर्त है उसकी कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, तो इस कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट की ओपिनियन है कि द इंप्यूंट एक्ट ऑर्डर एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज अल्ट्रा वायरस, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट की ये अपनी ओपिनियन है कि जो इस समय विवादित मामला है उसके सामने इन्वॉल्व मामला है, वो मामले में जो एक्ट इन्वॉल्व है विवादित है, ऑर्डिनेंस जो है या जो रेगुलेशन है ये इम्प्यून्ड हैं उस मामले में, वो अल्ट्रा वायरस है। तो जिस एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को लेकर के मामला ही देखा जा रहा है, कोर्ट को लगता है कि वो एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन अल्ट्रा वायरस हैं, फिर लेकिन उसको डाउट है कि वो सही में है या नहीं है, तो किसी एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन की वैधता वैलिडिटी के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी उस पर ऑब्लिगेशन है कि वो रिफर करे, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में स्पष्ट है कि जो भी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन है उस संबंध में ना तो सुप्रीम कोर्ट का और न ही हाई कोर्ट का कोई डिटर्मिनेशन उसके पास है, तो सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ नेसेसरी हो डिसाइड करना
और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो कोर्ट की ओपिनियन में ये है कि वो जिस भी एक्ट या आर्डिनेंस रेगुलेशन को लेके क्वेश्चन है उसकी ओपिनियन में वो अल्ट्रा वायरस है, और तीसरी बात ये है कि यही एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन जो अल्ट्रा वायरस है उसकी ओपिनियन में उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिटर्मिनेशन भी उसके पास नहीं है। तो इस तरह से ये तीन कंडीशंस उसने बताई हैं कि अगर ऐसा है तो फिर उसे मामले को रिफर कर देना चाहिए हाई कोर्ट को, ताकि वो उसकी ओपिनियन ले पाइए। ऑब्लिगेशन है, ये रूल वन में बताया गया है ऑर्डर के, तो ऑर्डर जो है इसका 46 उसमें बताया गया है रूल वन में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल वन है। तो रिफरेंस को अगर हम समराइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रिफरेंस पार्ट 8 के सीपीसी का जो पार्ट 8 है उसमें 113, 14, 15 तीन सेक्शन है, जिसमें से 113 रेफरेंस के लिए है। तो रेफरेंस 113 में सीआरपीसी में है। रेफरेंस के प्रावधान अगर संविधान में देखें तो आर्टिकल 228 में, और सीआरपीसी में देखें तो सेक्शन 395 में भी दिए गए हैं, लेकिन सीपीसी के अंदर जो रेफरेंस है वो 113 में दिया गया है। और जो धारा 113 है वो हम ऑर्डर 46 के साथ पढ़ेंगे। रेफरेंस ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, ये मैटर के नेचर पर डिपेंड करता है। रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को रेफरेंस करता है। रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर हो सकता है या क्वेश्चन एज टू कस्टम एंड यूजेस पर हो सकता है, और रेफरेंस का जो राइट है वो कोर्ट पर बेस्ड रहता है, कोर्ट में निहित होता है। रेफरेंस या तो पार्टियों के द्वारा एप्लीकेशन पर कोर्ट करता है या फिर कोर्ट खुद स्वतः कर लेता है। रेफरेंस में भी मेड आइदर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टीज और सुओ मोटो बाय द कोर्ट, इस तरह से ये रेफरेंस का समरी है। ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का मतलब है इस प्रोविजन के ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसको हाई कोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए इनेबल करना है, तो रेफरेंस बनाया गया कि वो इस तरह के मैटर को हाई कोर्ट को रिफर करेगा और हाई कोर्ट की ओपिनियन ले सकेगा 113 के माध्यम से, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ले सकेगा। रेफरेंस की खास तौर से बात यह है कि ये गैर अपीली मामलों में होता है, ये याद रखने की बात है। तो गैर अपीली मामलों में होता है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, रेफरेंस का सीधी सी बात है कि कोर्ट अपनी कोर्ट इस प्रोविजन को डाल करके कोर्ट से गलती होने से बचना है, यानी कि कोर्ट खुद से गलती होने से अपने आप को रोक सकता है। 113 उसके लिए है, अगर उसको लगता है कि कहीं गलती होने के चांस है, उसको डाउट है, तो 113 का यूज कर सकता है और गलती करने से बच सकता है। और ये जो रेफरेंस है ये हमेशा जजमेंट के पहले करना चाहिए, बिफोर द जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जजमेंट ही दे दिया है तो फिर आपको हाई कोर्ट की राय की जरूरत ही क्या है। तो ये रेफरेंस हमेशा बिफोर जजमेंट करना चाहिए, हियरिंग है हियरिंग के दौरान कर लीजिए या जजमेंट के पहले कर लीजिए, तो ये रेफरेंस जजमेंट के पहले होता है। इसमें जो एक खास बात है इसकी, वही शर्त कि विधि या विधिक बल युक्ति रूढ़ से संबंधित प्रश्न, एक बात जिस पर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट को डाउट है, उसे संदेह है, तो ऐसा मामला संदर्भ योग होगा, या फिर कोई एक्ट ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन को लेकर के कि वो अल्ट्रा वायरस है या वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, इसको लेके उसके पास डाउट है, क्योंकि उसके पास ना तो सुप्रीम कोर्ट की ना तो हाई कोर्ट की कोई डिटर्मिनेशंस हैं, और उसकी खुद की राय है, उसको ऐसा लगता है कि अल्ट्रा वायरस है, और तो फिर वो रेफरेंस करेगा।
लेकिन वो क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है, डिसाइड होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन हल नहीं होगा तो जो उसके सामने मामला पेंडिंग है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। तो वो जो ये जो क्वेश्चन है इनको लेकर के उस लंबित मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हो, ये इसमें खास बात है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। अब अगर हम इसकी रूल्स की बात करें तो रूल में चलते हैं तो रूल में देख लीजिए, इसमें जो है 7 रूल हैं टोटल ऑर्डर 46 में। ऑर्डर 46 में 7 रूल्स हैं। पहला रूल मैंने बता ही दिया है कि वो कंडीशंस बताता है या रिक्वायरमेंट्स, कंडीशन आर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरटेनिंग अ रेफरेंस। तो मैंने रूल एक में आपको कंडीशंस सारी समझा दी हैं, बता दी हैं। अब इसके बाद रूल टू में आ जाते हैं। तो रूल टू में पेंडेंसी ऑफ रेफरेंस सूट स्टे प्रोसीडिंग, यानी कि अगर कोर्ट रेफरेंस कर देता है तो जो मामला उसके सामने है वो पेंडिंग है मामले, तो जब तक रेफरेंस की पेंडेंसी रहेगी तब तक वो मामला जो सूट है या जो उसकी कार्रवाई है वो रुकी रहेगी, क्योंकि आगे फिर वो कर भी तो नहीं सकता ना कोर्ट, तो वो रुकी रहेगी। तो संदर्भ के लंबन के दौरान जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने सामने जो कार्रवाई चल रही होती है उसको स्थगित कर सकता है, और अगर वो स्थगित नहीं करना चाहता है तो फिर वो कोई कंटिंजेंट ऑर्डर पास कर सकता है। तो इसलिए कि अगर हाई कोर्ट की जो ओपिनियन आएगी फिर उस पर डिपेंड करेगा उसका ऑर्डर। तो रूल टू में 46 के बताया गया है कि अगर कोर्ट ने रेफरेंस डाल दिया है और रेफरेंस इस समय पेंडिंग है तो कोर्ट के सामने जो कार्यवाही चल रही है वो कार्यवाही को वो स्टे कर सकता है। अगर वो स्टे नहीं करना चाहता तो फिर वो कोई समाश्रित आदेश कर सकता है। समाश्रित आदेश इसलिए कर सकता है कि जब भी वो रेफरेंस जो हाई कोर्ट की ओपिनियन आएगी फिर उसका आदेश उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये रूल टू में सिर्फ इतना बताया गया है। रूल थ्री में बताया गया है कि ये जो हीरिंग है, ये जो रेफरेंस है वो सुनवाई के दौरान ये करना है, तो जो पक्षकार हैं वो हाई कोर्ट में हीरिंग होगी, रेफरेंस डाला है कोर्ट ने तो पक्षकार उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। चूंकि रूल टू में रेफरेंस डाल दिया गया, सूट स्टे कर दिया गया या कोई समाश्रित आदेश पारित कर दिया गया, अब जो हाई कोर्ट पहुंच गए रूल थ्री में इसलिए पहुंच गए चूंकि अब वो वहाँ पर रेफरेंस पड़ा हुआ है, तो जो भी पार्टी हैं इस सूट की वो हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई की मांग कर सकते हैं। तो पार्टीज अपीयर हो जाएंगे, पार्टीज अपीयर कहाँ, हाई कोर्ट में। जब अपीयर होंगे तो हाई कोर्ट फिर उन्हें सुनेगा और सुनने के बाद अपना डिसीजन सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेज देगा, और जैसा ही वो डिसीजन हाई कोर्ट भेजेगा इस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही उस मामले को, इस मामले को जो हाई कोर्ट जो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने स्टे कर रखा था या कोई समाश्रित आदेश दे रखा था इस डिसीजन के अकॉर्डिंग मामला निपटाएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो रूल थ्री में बताया गया कि अगर पार्टी हाई कोर्ट में उपस्थित हो जाती हैं और सुनवाई की मांग करती हैं तो फिर हाई कोर्ट उन्हें सुनेगा और सुनने के बाद अपने निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय को भेज देगा, और जैसा वो निर्णय भेजेगा उसके अनुसार जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उस मामले को निपटाएगा। रूल फोर में कुछ नहीं बताया गया, केवल ये कहा गया कास्ट ऑफ रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस का जो खर्चा है, जो कास्ट है वो क्या होगी, कैसे होगी। तो उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो कास्ट ऑफ रेफरेंस मामले के ही खर्च को मानी जाएगी, तो जो मामले में खर्च हैं उसी खर्च को ही प्रकरण का ही खर्चा समझा जाएगा, यानी कि जो मामला है वही समझा जाएगा। संदर्भ का जो व्यय है, जो कास्ट है, वो प्रकरण का व्यय समझा जाएगा, यानी कि वाद का ही व्यय
समझा जाएगा, इतना लिखा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है रेफरिंग जज को कि वो पर्सनली उस कास्ट को पे करे, ये प्रैक्टिकल है, हालांकि रूल फोर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ऐसा देखा है कि कुछ आर्डर्स हैं जिसमें हाई कोर्ट रेफरिंग जज को डायरेक्ट कर सकता है और उसको पर्सनली पे के लिए भी इस कास्ट को वो डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन ऐसा रूल फोर में नहीं लिखा। रूल फोर में सिर्फ इतना लिखा है कि संदर्भ करने का जो व्यय है वो मामले का ही व्यय समझा जाएगा, इतना केवल रूल फोर में लिखा हुआ है सीपीसी में। रूल फाइव में बताया गया है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। ये जो रेफरेंस है जो डाला गया है तो हाई कोर्ट को भेजा गया, तो हाई कोर्ट उसको रिटर्न भी कर सकता है, रिटर्न फॉर अमेंडमेंट। तो ये जो संदर्भ है उसको अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए वापस लौटाया जा सकता है, और अगर वापस लौटाया गया तो उच्च न्यायालय संदर्भ करने वाले न्यायालय द्वारा जो पारित आज्ञप्ति होगी, डिक्री होगी, आर्डर होगा, डिक्री होगी, है ना, उसको या तो सेट असाइड कर सकता है या फिर उसको अल्टर कर सकता है, बदल सकता है, इतना रूल फाइव में बताया गया है। तो संदर्भ को संशोधन के लिए वापस लौटाया जा सकता है और उच्च न्यायालय संदर्भ करने वाले न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति या आदेश को परिवर्तित या निरस्त कर सकता है, ये उच्च न्यायालय के पास अपने पावर है। और जो रूल 6 और 7 है ये स्मॉल काज कोर्ट से संबंधित है। तो रूल 6 में स्मॉल काज कोर्ट पे क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिडिक्शन को लेकर, अधिकारिता के प्रश्न को लेकर के है, और जो रूल 7 है वो भी स्मॉल काज कोर्ट से संबंधित है, उसमें मिस्टेक ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है कि वो ज्यूरिडिक्शन का स्मॉल काज कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है या उसको देखने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए ये रूल 7 बनाया गया है। तो रूल 6 और 7 बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से रूल 5 तक इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर रेफरेंस से कुछ भी पूछा जा रहा है तो अभी तक जो मैंने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं, जो भी मैंने थोड़ा बहुत कलेक्शन किया है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि रेफरेंस को लेकर के अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद इस वीडियो में कवर हो रहे हैं। और अगर आपको भी लगता है कि कवर हो रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं इसमें मेरे वीडियो में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। और अगर आपको ये भी पता करना है कि मैंने वीडियो कब डाला तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं। धन्यवाद।